वाहिगुरु आख्या मुख पवित्र हो जाते हैं, वाहिगुरु आख्या शुद्ध चरित्र हो जाते हैं, वाहिगुरु आख्या दुख तितर हो जाते हैं, ते वाहिगुरु आख्या वैरी मित्र हो जाते हैं। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु नाम विच बड़िया बख्शिशां ने, सारे युगां दा जो सुमेल जो है वो होके वाहिगुरु विच समाहित है। जदों एक बार कोई वाहिगुरु मुख तो बोलता है, रसना तो बोलता है, हिरदे तो बोलता है, तो सियाने आखते ने जेकर दूजी बारी भी मुँह चो वाहेगुरु निकले ना तो ये समझ लेना कि वाहेगुरु ने याद किया है। ऐसी अपार रहमत कृपा बख्शिश वरतदी है वो मालिक, जो कृपा करते हैं तरस करते हैं किसी के मुख तो अपना नाम कढ़ाता है। नाम उसके सारे प्यारे ने, पर सत्संग हरेक की अपनी भावना है, श्रद्धा है। किसी नूं हरी नाम विच, किसी नूं बिठल नाम विच, किसी नूं रहीम विच, किसी नूं करीम विच, अल्लाह खुदा कोई भी नाम जिस नाम नाल भी उसनूं याद करो वो हाजिर है। पर सत्संग जो श्रद्धा भावना के नाल जो हिरदे घर तो पुकार होती है तो पता नहीं कितने जन्मां जन्मांतरां ने जो पाप ने ना वो कटे जाते हैं। कितनिया का कहते लखा तर गए, लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया। गिनती मिनती नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी में भी देखोगे ना उत्थे गिनती मिनती नहीं दसी। कितने नहीं लिखा भी तुम 40 दिन ये कर लो, तुम 21 दिन ये कर लो, तुम 1.5 महीना, 1.5 महीना, 4 महीने, 8 साल, 7 साल, कितने भी गिनती मिनती नहीं। उत्थे ते श्वास श्वास सिमरन की गल है, श्वास ग्रास सिमरन की गल है। तो सत्संग जी इस दे नाल नाल उस वाहिगुरु का सिमरन अठे पैर करना है, परमात्मा का सिमरन अठे पैर करना है। तो इस दे नाल नाल ना कोई विशेष दिन दिहाड़ा रुत कुछ नहीं दसिया। कहते उयो पली रुत है जिस वेले रब याद आ जाए, उयो दिन उयो पल सार्थक है, सुहावना है जो रब याद आ जाए, तो जो विसर जाए। कहते उयो जात उयो कुल उच्ची है श्रेष्ठ है जो परमात्मा के नाल सांझ होवे, नाम याद आवे। नहीं तो अखोती तौर पर जो चीज़ा बनिया ने वो तो बंदे की बनाई हुई हैं। जो जात की गल कर लीए, स्त्री पुरुष भेद की गल कर लीए, असा संग जो इंटरनेशनल वुमेन डे भी है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पाकते हैं। अज तो करीब 550 साल गुरु पातशाह ने ऐसी रहमत की, ऐसी बख्शिश की कि जो इन्ने समय तो नारी का कोई मान सम्मान नहीं सी, कोई उसनों पैरों की जुटी जानता सी, कोई उसनों किसी ढंग के नाल कोई किसी ढंग के नाल केवल हिंदुस्तान के विद्वान ही नहीं पाश्चात्य विद्वान भी वो भी सत्संग जो औरत के नाल इंसाफ नहीं कर सके। वो किसी तरह कहते ने, कोई कहता है जयगोद कहता है कि औरत विच रूह ही नहीं होती। तो सत्संग जो कोई कहता है औरत इनफीरियर है तो मर्द जो है पुरुष जो है वो सुपीरियर है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। महात्मा तुलसीदास ने भी इतों तक कह दिता है, लिख दिता है ढोल गवार शुद्र अरनारी ये सब तारण के अधिकारी। हुण सत्संग कदे उसनों सब तो वड्डी रुकावट बने रब दे मार्ग ते
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਚ ਤੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਚ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਰ ਜੇਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਗਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਸਰ ਦੇ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਣੇ ਜੋੜੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ, ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵਜਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਸਰੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਇਸਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਧਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੇਧ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਾ ਬਣੀਆ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਪੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਮਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਯਾਨੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਨਾ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾ ਬਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਾ 'ਤੇ, ਇਸ ਰਸਨਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਹਰਾ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਤੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋਲ।
उसनों मिठा बोलने वाले चंगा लगते हैं। ते औरत विच ए हलीमे दा गुण, ए निर्माणता दा गुण ए है। ते सासंग जो फिर जे इस रस्ते ते किसी पुरुष ने चलना है ता जेड़े गुण वाहिगुरु जी ने इस औरत विच पहले ही भर दिते ने ता उस तो सेध लैणे उस तो सेध लेनी पवेगी भाई ये इतना कुछ किवें सहार लेती है। तो उसको मालक ने इसको सृजनहारी भी बनाया है, जननी बनाया है। ये समर्थता औरत को देती है, ये बख्शी सोचती है। तो सासंग जो पंड जमी है पढ़ने में है वाला आप जो शब्द है श्लोक है वो पढ़ते हैं आसा दीवार के अंदर। गुरु पातशाह ने खुलासा करके दसिया है कि औरत तो ही जन्म उसके अंदर ही शरीर के अंदर ही उसके जो है उधर के अंदर ही बच्चे की जो है उसकी रचना फिर उसे तो निभना उसे तो ही उसकी पालन पोषण होना। तो सास जी फिर कुछ वड्डी हुई बड़ा होया तो फिर की होया उस पुरुष के लिए एक संबंध समाज के एक समाज ने एक परिवार ने दूजे परिवार नाल जुड़ना एक समाज ने दूजे समाज नाल जुड़ना ये जोड़ मेल किस करके होया औरत के करके होया। फिर सास ने जो पंडमुआ पट वाली एक औरत जे कितने लब ना करे वो चली गई है जल्दी तो पुरुष इतनी काली के नाल दूजी औरत लभना शुरू कर देता है। औरत की यह प्रवृत्ति नहीं है। बेशक गुरु साहिबान ने पुनर्विवाह की गल भी की है, परदा प्रथा हटाने की गल की है, सती प्रथा को बंद करवाया है। कितने सारे अभिशाप अभिशप्त सी औरत उन्होंने सारिया के लिए गुरु पातशाह ने कितना माण बख्शिया उसने। सास ने जो फिर कहते हैं भाई औरत तो ही औरत भी औरत तो ही जन्म लेंदी है। एको अकाल पुरख वाहेगुरु है जो स्त्री तो जन्म नहीं लेता, पर एक गुण उस परमात्मा ने औरत को बख्शिया है। तो सास ने जो हम किधरे किधरे साढ़े जो सानू असी अक्सर ना अपने अधिकारों की गल करते हैं, पर सासंग जी साढ़े ते दायित्व बड़ा वड्डा है, साढ़े फर्ज बड़े वड्डे ने। उत्तर दायित्व जिहड़ा है औरत का वो बहुत वड्डा है, क्योंकि घर नूं स्वर्ग ते नरक बनाने च उसका बड़ा वड्डा हाथ है। घर नूं स्वर्ग ते पहले तो वह घर बनाती है, फिर घर नूं स्वर्ग ते नरक बनाने विच भी औरत का बहुत वड्डा हाथ है। तो सासंग जिन्ने तक एक औरत औरत की कदर नहीं करेगी ना, वो कितने भी उम्मीद ना रखे तो उस तो पहले अपनी कदर आप करना सीखो। सब तो पहले अपनी कदर आप करना सीखो। जिन्हें तक खुद अपनी कदर नहीं करोगे, अक्सर तुसी सुनिया होगा अक्सर, क्योंकि घर में असी माहौल इस तरह के क्रिएट कर देते हैं कि बच्चियां ये सोचने लग जाती ने कि काश हम लड़के होते है ना। ते जदों तुसी इस तरह का कोई माता पिता विशेष तौर पर मैं कह मां जे पुत्र ते धी विच फर्क कर रही है तो यूं समझ लो वो जहर की कुट्टी दे रही है उसे उस वेले उसका वो जीवन तो नरक बना ही नहीं है, आने वाला जीवन ही उसका नरकमय ही बनेगा। क्योंकि जदों तक असी ये नहीं सोचा कि यह उसका घर है तो तुसी वो जदों दूजे घर जाएगी वो किवें उसनों कह देंगे कि बेटा तेरा घर। जिन्ना प्यार सत्कार तुसी अपने धियां नूं दिओगे तां तुसी उम्मीद रख सकते हो अगे भी उसनों मान ते सत्कार मिलेगा। जे तुसी इत्थे कहते भी पराया धन है ते ओह कहिंदे नहीं पराए कदों आईए, हुण तुसी सोचो जदों तुसी अपने पैदा करी हुई बच्ची नूं ओह मान प्यार सत्कार नहीं दे सके तां दूजियां तों किवें उम्मीद करदे हो कि ओह तुहानूं इतना प्यार दे, तुहाडी बच्ची नूं तुहानूं इतना प्यार मान दे। उसकी शुरुआत अपने आप तो पहली गल अपनी कदर करना सीखो। दूजी गल जे बच्ची है उसको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। तो सासंग जी ये नहीं कि भाई पुत्रा वांगू पुत्र पुत्र नहीं, तियां तियां नहीं, लड़की लड़की है, लड़का लड़का है। उसके अपने गुण ने, बच्ची के अपने गुण ने। पर सासंग जी ये करके जोड़ा पाश्चात्य रंग में रंगीज के ये नहीं कि उसकी रीसा करके भी असी घट कपड़े पाने ते ये आधुनिकता बना ली है ना, ये नहीं है। साढ़े इतने इतनी मिसाल ने, साढ़े धर्म के विच इतनिया मिसाल ने कि जिन्ना माता भाग कौर का आप मनाते हाँ भी। तो सासंग जी कि उन्होंने नाल ऐसी हो गया, माता भानी जी को वेखो,
पाना मनन वाले पप्पा बुली जी पप्पा पाना जी पप्पा पला जी अपना उन्हें नाम की सार्थकता वेखो कहते थे अपने गुरु पिता नूं गुरु बन के सेवा कर रहे हैं इतने गल ही नहीं है कि मैं ती हाँ तो मैं ये नहीं करना वो सब बराबर जे अधिकार भी ने ते फर्ज भी ने ते फर्ज मैं लगता है ज्यादा ने जदों आप फर्ज सही ढंग अदा करांगे तो शासक जो अधिकार मंगने की लोड़ नहीं पवेगी अपने आप मिल जाएंगे वो अपने आप मिल जाएंगे तो इस दे लई सब तो पहले गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बनाइए जो मान सत्कार सानू गुरु नानक पातशाह आप बख्श गए ने तो फिर असं बराबरी की बराबरी का तो प्रश्न ही नहीं है उस मालक ने साढ़े गुरु साहिबान ने सानू इतना माण बख्शिया है तो सत्संग फिर असी रीसा कर रहे हैं भाई इदा इदा नहीं इदा नहीं कि इस तरह का माहौल हो हमेशा हमेशा अपने गुणा की कदर करनी है अपने कर्तव्यों का अपनी ड्यूटीज का सही ढंग पालन करना है ताकि असी सच्चे अर्थों में उस गुरु नानक पातशाह ने जो सानू दात बख्शी है जिन्होंने बुलंद आवाज में उस वेले नारा दिता सो क्यों मता आखिए जित जमे राजान ते सारे परिवार में श्रेष्ठ ते कह वो तन तन है वह घर जिस घर में बच्ची जन्म लेती है तो सासक जी ये सारा कुछ दे इस माहौल को बनाने के लिए सब तो पहले औरत को ही कोशिश करनी पवेगी उसनों ही जो मिली है बख्शिश जी हुई है उस बख्शिश को आप सामभ के रखिए तो उसना गुणा की खुशबू चाहो और फैलाइए तो इस गुरबाणी के चानण बच्चे फैलाइए तो किधरे भी कोई किसी तरह का कोई फर्क ना करिए तो आने वाला समा तद ही जो है उस समानता वाला प्यार वाला उस खुशबू वाला तो जीवन को सार्थक करने वाला होगा वाहेगुरु सारे बख्शिश करे रहमत करे कृपा करे तो सा जीवन गुरबाणी आशय अनुसार बने सा एक दिन कोई इस तरह जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है मनाने की गल नहीं है साडा हर दिन ही है क्योंकि असी सानू गुरु पातशाह ने इतना माण सत्कार बख्शिया तो उस माण को सही अर्थां विच सच्चे अर्थां विच प्यार दे नाल ते सत्कार नाल जीव सकीए ते ए मिसाल दूजियां दे लई भी आपां कायम कर सकीए भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।